बहुत सारे स्टूडेंट्स विजिट कर चुके हैं और उसके अलावा वो अपने पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हैं ताकि उनके पेरेंट्स को भी टैलेंटेड कॉन्फिडेंट एंड प्योरी एज वेल असल सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है पाकिस्तान में नहीं अदर कंट्रीज में। गाइज आपको पता है कि आज हम ब्रिज ब्लू की एक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो में मौजूद है जो कि बूरेवाला में ऑर्गेनाइज की गई है। सो आज ब्रिज ब्लू ने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज की है। सो आज हम बात करेंगे ब्रिज ब्लू की टीम सना, शी इज वेरी टैलेंटेड कॉन्फिडेंट एंड प्यूरी एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी है आप सना? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सना, आप लोगों की ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल था, हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों की ये जो एक्सपो ये बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। हमने देखा है कि बूरेवाला की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सारी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हैं। सो आपको हम इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। सो मच। सो सना, आज मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों ने यू नो हम देखते हैं कि बूरेवाला में इस तरह के इवेंट्स बहुत कम हैं, तो आप लोगों ने ये जो ब्रिज ब्लू ने ये जो एक्सपो ऑर्गेनाइज की है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। सो आज आप क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपो के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि बूरेवाला में बहुत ही कम लोकेलिटी है जो यहाँ पे इस तरह के एक्सपोज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको ये नहीं पता होता कि हम जो है वो अगर एफएससी कर रहे हैं तो फर्दर जो है वो अगर हम एमडी कैट में रह गए हैं तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं पाकिस्तान में नहीं अदर कंट्रीज़ में, तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमने जो है वो इसका अहतमाम किया है ताकि लोगों को जो है वो अवेयरनेस मिले, लोगों को आइडिया हो कि उनका जो है वो फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, उनका करियर जो है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर वो पाकिस्तान से मूव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सना। अब आप मुझे ये बात बताइएगा कि बूरेवाला में चुनो चूंकि आज एक्सपो हो रही है, सो आपने यू नो सारे स्टूडेंट्स के साथ आप मिली भी हैं, तो किस किस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आ जाएंगे? मोस्टली यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन बूरेवाला पहाड़ी लाइक एस कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, उसके अलावा पंजाब कॉलेज, स्पायर कॉलेज, बहुत सारी लोकेलिटी से यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिनको अवेयरनेस की ज़रूरत थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि हमारा पाकिस्तान में कोई कैरियर नहीं है, हम अगर अदर कंट्री मूव करते हैं तो हमारा जो है वो कैरियर सिक्योर है। तो माशाल्लाह जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कि आपने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स विजिट कर चुके हैं और उसके अलावा वो अपने पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हैं ताकि उनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो। तो सर, आप क्या समझती हैं बूरेवाला को वैसे तो एक स्मॉल सिटी कहा जाता है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या पोटेंशियल, क्या टैलेंट आप देखती हैं? उनमें ये टैलेंट देखती हूँ कि एटलीस्ट उनमें जो है वो थोड़ी सी वो सर्च करके आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है कंसल्टेंट्स भी बैठे हुए हैं जैसे आपको बताएं, लेकिन कोई भी उनको एक्चुअल जो कह लेंगे प्रोडक्ट होती है वो नहीं बताते, उनके साथ जो है वो कह लेंगे फ्रॉड हो रहे हैं या इस तरह हो रहे हैं। हम उनको एक्चुअली जो है वो वेबसाइट से जो है वो गो थ्रू करवाते हैं ताकि उनको पता हो कि हम किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, उसका करियर आउटकम क्या होगा और इन फ्यूचर उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो गाइस, सना ने ये बात बहुत अच्छी की है कि बूरेवाला में पहले कोई भी इस तरह के इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो कि स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर सकता, बट वी आर रियली ग्रेटफुल टू ब्रिज ब्लू जो स्टूडेंट्स को एक ट्रूली गाइड करते हैं और किसी किस्म का फ्रॉड इस तरह के किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं होता। सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।